फिल्मों में अभिनय का शौक एक छात्रा के लिए वक्त मुसीबत का सबक बन गया, जब फिल्मों में काम का झांसा देकर एक ग्रोह ने उसका अश्लील MMS बना लिया। यही नहीं, इस ग्रोह ने इस छात्रा को हीरोइन बनाने की बात कहकर उसका MMS बनाकर पहले ब्लैकमेल किया। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज करने के बाद फर्जी अभिनेता सावन और कैमरामैन संजय को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस दो आरोपियों की तलाश कर रही है। वैसे यह लड़की सादरा की रहने वाली है और एक अच्छे स्कूल से 12वीं की पढ़ाई कर रही है। घर वालों ने बताया कि उनकी बेटी को अभिनय का बहुत शौक था, इसलिए जब अखबार में FDL फिल्म्स का विज्ञापन देखा तो दिए गए पते पर वो वहां पहुंच गई। यहीं पर सावन कुमार नाम का शख्स मिला, जिसने खुद को फिल्म अभिनेता और निर्देशक बताया। सावन ने ही इस छात्रा से भोजपुरी फिल्म में काम करने का एक समझौता किया, फिर स्क्रीन टेस्ट के बहाने दिल्ली में फिल्म की शूटिंग की। लेकिन फिर एक दिन शूटिंग से पहले सावन ने चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया, उसके बाद छात्रा का MMS बनाया गया और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। इस छात्रा ने जब पैसे देने में असमर्थता जताई तो आरोपियों ने यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। शिकायत मिलने के बाद जब पुलिस ने इस ऑफिस पर छापा मारा तो यहां से 50 से अधिक MMS की क्लिप मिली। पुलिस ऐसा मान रही है कि इस गिरोह ने 30 से अधिक लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। खैर, फिल्म के नाम पर इस तरह का फर्जीवाड़ा खूब किया जा रहा है, इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जो करियर के सपने दिखाकर जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।